हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने जो प्यार दिया है भाई कंपैरिजन वीडियोस के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो एक और कंपैरिजन लेके आया मैं, जो बहुत डिमांडेड है और बहुत ही लॉजिकल है। तो हमारे पास है आज दोनों टाटा की गाड़ियाँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो लेफ्ट में है टाटा टियागो और राइट में आपको मिल जाती है टाटा एल्ट्रॉस। तो इनके वेरियंट्स पर हम नहीं जाएंगे आज, बस कंपेरिजन करेंगे कि आपको जो एंट्री लेवल वाली हैचबैक सेगमेंट है उसे लेना चाहिए या फिर आपको प्रीमियम हैचबैक में जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो दोनों ही 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती हैं, दोनों की पावर स्पेक्स भी सेम है, दोनों सीएनजी में भी अवेलेबल है, तो वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और जो इनका प्राइस डिफरेंस है वो भी 1.5 लाख का ही है, तो बहुत ही मेजर डिफरेंस भी नहीं है इनमें। तो क्या स्पेस मिलता है, एनवीएच लेवल्स कैसे हैं, चलने में दोनों गाड़ियाँ कौन सी बेटर रहेगी आपके लिए और कौन सी का माइलेज ज़्यादा अच्छा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। किस में ज़्यादा स्पेस है, कंफर्ट इसका अच्छा है, तो जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, स्टार्ट करेंगे हम टियागो के साथ। तो अगर मैं बात करूँ इसके एक्सटीरियर की, तो ऐसी कुछ इसका फ्रंट लुक आता है यार, बहुत ही शार्प डिज़ाइन मिलता है आपको। कंपैरेटिवली कम चौड़ी है ये गाड़ी उससे, तो इसका बेनिफिट भी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहते हो, वहाँ से आप इजीली निकल सकते हो, इससे उसमें तब भी आप थोड़ा बहुत फंस सकते हो। इसका आइडिया आपको जल्दी लगेगा जब आप ड्राइव करना स्टार्ट करोगे, उसके में थोड़ा टाइम लगेगा। बोनट दोनों में ही नहीं दिखता, तो वो चीज़ है ही नहीं कि आपको ईजी रहेगा या नहीं रहेगा। दोनों थोड़ी सी लंबे बोनट के साथ आती हैं। और बात करूँ मैं इसकी ग्रिल की, तो आप ये देख सकते हो ये सेम डिज़ाइन जो हर टाटा कार में मिलता है आपको, वही इसमें भी आता है। टियागो से स्टार्ट होता है, अब आगे थोड़ा सा स्पॉइलर टाइप आपको मिलता है नीचे। और यहाँ से अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो भाई इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना, इसका जो इंडिकेटर है ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे साइड ORVM पे, ठीक है। साइड से अगर आप देखोगे तो टायर सेक्शन भी आपको अच्छा मिलता है, डिसेंट मिलता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस साइज़ की कार के साथ इस टायर सेक्शन में। साइड से भी बहुत ही अच्छा सा लुक दिया है, कोई भी हेडरूम से रिलेटेड कोई भी आपको इशू नहीं आता है इसमें। हम बहुत टाइम से इसे ड्राइव भी कर रहे हैं और हमारी ही गाड़ी है तो हमें पता है। और आ जाते हैं रियर लुक पे इसके। तो अगर आप रियर लुक देखोगे, रियर लुक भी बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इस गाड़ी का। कहीं भी आपको कोई भी मतलब अच्छे खासे क्रीजेस एजेस मिले हुए हैं आपको, और ये जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया ये हर टाटा कार में आपको मिलेगा, अभी मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा एल्ट्रॉस में भी। हाई स्टॉप माउंट लैंप मिलता है आपको इसमें। सेम नीचे आप देखो ये आपकी पूरा एरिया, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm को मिल जाता है टियागो में। और मैं इसकी की भी दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसी कुछ की है XT वेरिएंट की हमारी, और ये फ्लिप की होती है। इसमें आपका लॉक अनलॉक और हेडलैम्प्स वाला बटन होता है, ठीक है। तो एक बार इसका बूट देख लेना। बूट में मैं अगर आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल टेलगेट नहीं मिलता है आपको, आपको चाबी से ही खोलना होता है। तो एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इजीली आप 3-4 लोगों का सामान इसमें लेके जा सकते हो 5-6 दिन के लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पंचर किट मिलती थी जो मैंने पहले ही बताया आपको वीडियोज़ में, बट अब नहीं मिलती है। हमारी दोनों हमारे टाइम पर मिलती थी भाई। और जस्ट फॉर ए रेफरेंस, जो NVH में आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं BS6 फेस 1 वाली, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ फेस 1 है। बट टियागो में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है भाई, टियागो एज इट इज़ है, जो BS6 फेस 2 भी है। बट एल्ट्रॉस में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है वो भी इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि ये हमारी DCT, तो DCT में वैसे ही बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है। अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल वाली एल्ट्रॉस से तो ये कंपेरेबल है नई वाली फेस 2 के साथ, ठीक है। तो ये तो बात हुई भाई टियागो की। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको एक्सटीरियर में क्या मिलता है अपनी एल्ट्रॉस में। तो गाइस स्टार्ट करें अगर एल्ट्रॉस से। एल्ट्रॉस का फ्रंट डिज़ाइन आपको बोल्ड मिलता है, बहुत ही वाइड आपको लगती है कार फ्रंट से, बहुत ही प्यारी लगती है, स्लीक डिज़ाइन के साथ आती है। सेम आपको टियागो थोड़ी सी छोटी लगेगी, ये बड़ी लगेगी फ्रंट से ही, और है भी बड़ी। यहाँ पर आपको क्रीजेस मिल जाती हैं सेम। ये बहुत सारे एलिमेंट जो है ना, जो आप टाटा की गाड़ियों में देखोगे वो सेम ही रहते हैं। वो मतलब एक जो ट्रेडमार्क रहता है ना, जैसे BMW आपने देखी होगी वो कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी हर कार में, सेम इन्होंने किया है। सेम यहाँ पे आप देखोगे ग्रिल पे वही डिज़ाइन है जो आपको टियागो में मिलता है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है
एक्सटेंडेड। अगर मैं आपको बताऊं साइड से, तो साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका यार जो टर्न इंडिकेटर है ना वो ओ आर वी एम पे नहीं आता है, वो यहाँ पे नीचे आता है। ये मैंने पहले ही बताया, ये पता नहीं क्यों आता है, मे बी डिज़ाइन वाइज कैसे, बट ये थोड़ा सा इस पर भी होता तो अच्छा लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइड से गाड़ी बहुत ही स्लीक लगती है, और मतलब यार जो इसका डिज़ाइन है ना मुझे तो बेस्ट लगती है साइड से। अगर मैं साइड लुक की बात करूँ अपने सेगमेंट में भी, ये बेस्ट कार लगती है। जो इस पर क्रीजेज मिली हुई हैं और जो इसका ले बैक, ये जो पट्टी आ रही है ना ब्लैक वाली, ये बहुत ही प्यारी लगती है। आ जाते पीछे, और जो इसका टायर सेक्शन है वो भाई जैसे आप सबको बताए 16 इंच मिलता है इसके टॉप मॉडल में, इसके टॉप मॉडल में आपको 15 इंच मिलता है टियागो के, अगर वो भी आपको पॉइंट है। और पीछे से अगर आप देखोगे तो पीछे से भी बहुत ही वाइड सा, और जो इसकी टेल लाइट है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात आपके इसकी एल्ट्रॉस की और आपके टियागो की। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है, तो चलते हैं गाड़ियों के अंदर। पहले हम कवर करेंगे टियागो को, तो आ जाओ टियागो के अंदर। तो आ गए गाइस टियागो के अंदर, और जैसे ही आप इसके अंदर आते हो ना तो बहुत ही बढ़िया इंग्रेस आउटग्रेस इसका बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। प्लस इसका जो डोर है, पता नहीं मुझे ही क्यों लगता है बट ये यार मेरे को ना एल्ट्रॉस से भी हैवी लगता है, और बिल्ड में मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है टाटा ने। तो आ जाओ गाड़ी के अंदर। तो यार अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, बहुत ही बेसिक सा आपको इंटीरियर मिलता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड इंटीरियर मिलता है, कभी भी बोर ना होने वाला इंटीरियर है। और अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील आपको सेम मिलता है टियागो में भी, और सेम आपको एल्ट्रॉस में भी मिलेगा, सेम ही स्टेयरिंग व्हील है डी कट वाला। और जो इसका फीडबैक है वो भी दोनों का सेम है, राइडिंग हैंडलिंग वो हम जब हम गाड़ी को चलाएंगे वो तब हम डिस्कस कर लेंगे, सस्पेंशन वगैरह। बाकी इंटीरियर में यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेशंस मिलते हैं, मतलब कोई भी टच पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ना मतलब अच्छा फील ना कराए, बहुत ही ठीक ठाक है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ दोनों गाड़ियों का टच एंड फील ऑफ क्वालिटी, ये थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है बट ये नहीं है कि ये सॉफ्ट है, ये दब रहा है तो ये हार्ड ही है, ये भी अच्छी बात है। तो रैटलिंग नॉइस की इतनी ज़्यादा हमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि रैटलिंग नॉइस आई है। यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों साइड ये थोड़ा सा ना ऊपर गया इजी, जैसे आपने हैंडरेस्ट रखा है यहाँ पे तो आपका डायरेक्टली हाथ जा रहा है पावर विंडोज़ पे, और चारों पावर विंडो आपको मिलती हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वन टच डाउन मिलता है, सेम आपको इसमें भी टियागो में भी, और सेम आपको मिलेगा भाई अल्ट्रॉस में भी, बस डाउन वाला, अप वाला शायद बजट नहीं था टाटा का तो उन्होंने दिया ही नहीं, उसके तो टॉप मॉडल में भी दिया भाई। तो ये चीज़ है विंडो भी, और यहाँ से आप अपने और वीम्स को कंट्रोल करोगे, ये उसके बटन है। यहाँ पे आपको सेम हॉर्न का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ से कहीं से भी प्रेस करोगे हॉर्न बजेगा, और ये आपके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने वाले बटन से। गाइस म्यूज़िक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक सिस्टम भाई टियागो का भी बहुत अच्छा है, हार्मन का ही मिलता है दोनों में। और अगर आप टॉप मॉडल की बात करोगे तो टॉप मॉडल में आपको इसमें चार ट्विटर मिलते हैं, उसमें भी चार ट्विटर और चार स्पीकर ही मिलते हैं, बट डिफरेंस क्या आता है उसमें जो सराउंड साउंड है ना वो ज़्यादा, क्योंकि अंदर भी स्पेस गाड़ी में ज़्यादा है तो सराउंड इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, और जो प्लेसमेंट है ट्विटर्स की वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे इसमें आपको यहाँ मिलते हैं उसमें यहाँ पे मिलते हैं, तो आपको बेटर क्वालिटी लगने वाली है, बट इसकी भी बहुत अच्छी है, इसके प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है इन द सेगमेंट, ठीक है। और अगर मैं आगे की कम्फर्ट की बात करूँ तो भाई सीट इसकी बहुत ही कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी है। थाई सपोर्ट आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक है, मेरी हाइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको वैसे पता ही है 5'10" है, तो मैंने आगे की सीट देखो कितनी स्पेस है अपने अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर रखी है। अब चलते हैं रेयर सीट पे और देखते हैं कितना स्पेस है। तो गाइस आ गए टियागो की रेयर सीट पे, और यार दो का थर्ड, अब देखो टाटा की दोनों गाड़ियां हैं पर कंपैरिजन तो तब भी करना पड़ेगा सेफ्टी का, थर्ड काफी अच्छा है। फ्रंट वाली डोर्स जो है उनका ज्यादा बेटर है पीछे वाले से कंपैरिजन में, पता नहीं क्यों बट हाँ मेरे को ऐसा फील हुआ। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट और स्पेस की बैक सीट पे। तो अगर मैं स्पेस की बात करूं भाई, स्पेस आपको डिसेंट मिलती है, कोई भी आपको स्पेस वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। देखो कितना लेग रूम मिल रहा है, और थाई सपोर्ट देखो भाई बिल्कुल एम्पल सपोर्ट है, आप कंफर्टेबली इसमें जा सकते हो, रेकलाइन एंगल भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। बट एक जो डिफरेंस है इसमें और आपको मैं उसमें एल्ट्रॉस में बैठ के भी बता दूंगा, जो सीटिंग कम्फर्ट है मुझे बैक सीट का इसका बेटर लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों बट हाँ कंपैरेटिवली मैं इसमें ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ उसके मुकाबले, क्योंकि उसकी सीट ना थोड़ी सी अपराइट है, अभी जब जाएंगे ना तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेसिंग बताऊँ तो भाई बॉटल होल्डर आपको चारों ही डोर्स पे मिलने वाले हैं, अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है,
प्लस दोनों का ही जो भाई ग्लव बॉक्स है वो बहुत ही बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम आपको उसमें भी नहीं आने वाली, बहुत स्पेसिंग देता है टाटा, बहुत ही स्मार्ट रहता है उस अपने काम में। अब बात करते हैं चौड़ी है वो गाड़ी तो क्या डिफरेंस आता है, डिफरेंस ये आता है जैसे आप इसको देख रहे हो तो इसमें 5 लोग कंफर्टेबली बैठ के नहीं जा पाएंगे, 4 लोग मेरी बिल्ड के हिसाब से या फिर मेरे से थोड़े से और वाइड है तो भाई 4 लोग ही फिट हो पाएंगे इसमें, और एक बच्चा, अगर एक बच्चा आप बैठाना चाहो यहाँ। ये बात हो गई पूरी भाई टियागो में आपको इंटीरियर में क्या मिलता है। अब चलते हैं एल्ट्रॉस के अंदर और देखते हैं उसमें कितनी स्पेस है और क्या कम्फर्ट मिलता है। इस एक बार मैं आपको ना एल्ट्रॉस का भी बूट स्पेस दिखा देता हूँ। तो इसमें इलेक्ट्रिकल टेलगेट आपको मिलने वाला है यहीं पे, तो यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें आपको अगर मैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बताऊं तो 380 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और बहुत ही प्रैक्टिकल बूट मिलता है, आराम से आप 4 लोगों का 5-6 दिन के लिए सामान भर के लेके जा सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम खुद ही भाई ट्रैवल कर चुके हैं तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस से रिलेटेड इसके बूट में। और बात अगर मैं करूँ ना थोड़ी सी सेफ्टी वाली, तो सेफ्टी वाइज अगर आप इसका ये खोलते हो भाई रेयल वाला डोर, तो इसका और उसके वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो काफ़ी लाइट है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 5 स्टार आ जाते हैं भाई, वो 4 स्टार है 5 स्टार है, तो मे बी थोड़ी थोड़ी जगह तो डिफरेंस रहेगा ना भाई, बजट का भी डिफरेंस है। तो आ जाओ चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं अंदर से कैसी है। तो गाइस आ गए एल्ट्रॉस के अंदर और कर लेते हैं इसका डोर बंद। देखो थर्ड तो यार इसकी भी बहुत अच्छी है, बट जैसे मैंने बोला इसके डोर से थोड़े से हैवी लगे मुझे उसके डोर फ्रंट वाले, अगर मैं बात करूं इन एंड आउट अगर मैं बताऊं तो इजी है दोनों गाड़ियों में, बस इसमें थोड़ा सा मेरे को हल्का सा स्ट्रगल है क्योंकि ना ये अगर आप देखोगे तो इसकी जो ऐसे जा रहा है ना ये आपका एक तो ये मिरर हो गया ठीक है विंडशील्ड वाला, तो ऐसे जा रही है स्क्रू, तो यहाँ पे ना आपको कम हेडरूम मिलता है जब आप बैठते हो, तो यहाँ पे सड़ लगने के चांसेस होते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। 90 डिग्री की भाई डोर ओपनिंग मिलती है इसमें आपको चारों डोरों में, वो आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलती, टियागो में भी नहीं मिलती। तो आ जाओ गाड़ी के अंदर बात कर लेते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं और कैसा फील मिलता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेते हो, वैसे उसमें भी लेते हो, तो आपको स्टेयरिंग रैप्ड लेदर ये स्टेयरिंग व्हील मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है फीडबैक में भी, बस इसके जो ऑपरेशन है ना वो थोड़े से आपको प्रीमियम मिलेंगे क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है, ये आपकी नॉर्मल वाली हैचबैक नहीं है, जो इसके टच पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर लगेंगे। पियानो ब्लैक का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। बाकी अगर मैं बताऊँ आपको इसमें भी सेम वही, अगर आप देखोगे उसमें ना थोड़ा सा ऐसे था डिज़ाइन जो आपका यहाँ पे हैंड रेस्ट होता है सारे डोर्स में, बट इसमें बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि डिज़ाइन ही उस तरीके से गाड़ी करी गई है, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है। ये कंसोल जो है ना यार इसका वो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे पर्सनली। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं वो USB यार वो वेरिएंट वाइज होता है, तो वेरिएंट वाइज मैं कंपैरिजन नहीं बना रहा हूं, तो वो चीज़ मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही गाड़ी को आपको उसमें फुली डिजिटल मिलता है, इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो इसमें हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग आपको मिलने वाला है। और देखो भाई AC वेंट वगैरह तो वो AC दोनों का ही बहुत अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें भी नहीं आने वाली है। म्यूज़िक सिस्टम इसका अच्छा है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिलता है इसमें, प्लस इसमें आप थोड़ा खुला खुला बैठते हो, जैसे उसमें ना आप जैसे मैं यहाँ पे पैर मैंने चौड़े कर रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें मेरे थोड़े से क्रैम्प्ड थे पैर क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है ना वो कम है काफ़ी दोनों तरफ से, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। और ये देखो भाई अब ये हमने कर ली फ्रंट सीट की बात, कम्फर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सीटिंग कम्फर्ट उससे स्लाइटली बेटर है क्योंकि ये थोड़ी सी और वाइड आपको सीट्स मिलती हैं, तो आप इजीली बैठ पाते हो और आपको बेटर कुशनिंग मिलती है, यहाँ से साइड वाली जो होती है ना ये आपको बेटर मिलती है। थाई सपोर्ट बिल्कुल सेम कहूँगा मैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंफर्ट भी मतलब अगर ये 20 है तो वो 19 है, इतने डिफरेंस है ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई फ्रंट सीट्स की, अब चलते हैं बैक सीट्स पे और दिखाता हूँ वहाँ पे आपको क्या कम्फर्ट मिलता है और क्या स्पेस मिलता है। आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, चलते हैं पीछे। तो गाइस आ गए एल्ट्रॉस की रेयर सीट पे, कर लेते हैं डोर को बंद ठीक है, इसकी बात बात नहीं कर लेंगे। तो यार इसकी जैसे मैंने आपको उसमें ही बताया था जब हम टियागो में बैठे थे, इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये थोड़ी अपराइट है यार,
अगर आप देखोगे ना तो इसका रेक्लाइन एंगल काफी अपराइट है, तो आप बिल्कुल सीधे बैठते हो। उससे होता गया है, आप लॉन्ग जर्नी में थोड़ा ऐसे करके बैठोगे तो आपको थाई सपोर्ट काफी कम मिलने वाला है। वैसे आपको लेग रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही इजीली आप बैठोगे। और इसमें बेनिफिट ये है, चौड़ी है तो इसमें इजीली आप 5 लोग बैठ के जा सकते हो बहुत ही कंफर्टेबली। बहुत ही बड़े आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टेबल होते हैं। और वो तो पीछे की सीट में बस मेरी यही कंप्लेंट है कि अपराइट है, तो इसलिए वो पॉइंट जाएगा भाई टियागो को, कि अगर आपको बैक सीट कम्फर्ट चाहिए तो वो आपको टियागो में बेटर मिलेगा इससे। बट अगर फ्रंट सीट की बात करें तो फ्रंट सीट में एल्ट्रॉस में बेटर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप बात करोगे, जैसे मैंने आपको ट्विटर की प्लेसिंग बताई थी ना, तो देखो ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पे होती है और ये बहुत ही अच्छी सराउंड साउंड क्रिएट करता है ओवरऑल। टच पॉइंट्स भी आपके सॉफ्ट टच ही हैं मैक्सिमम, क्योंकि भाई प्रीमियम हैचबैक है तो वो तो मिलने ही वाला है। बाकी अगर आप देखोगे इसके सबसे बड़ी चीज़, मतलब ये मैंने हर वीडियो में कवर करा है, आपको टियागो में भी जो आपका ओपन करने वाला होता है ना, अंदर से डोर ओपन करने वाला ये हैंडल, ये इसमें ना एक लॉक मिलता है उसमें भी अलग से, जो पहले अनलॉक होगा फिर ये लॉक अनलॉक होगा। बट इसमें अगर आप करोगे ना तो ये एक बार में ही ओपन हो जाता है भाई, ऐसे लॉक होता है और सीधा ओपन, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसलिए ना हमारे जो बैक डोर्स हैं इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमेशा चाइल्ड लॉक रहता है कि बाई चांस, क्योंकि पीछे बच्चे बैठते हैं, कि उनके लिए रिस्की ना हो जाए। और ये चीज़ सच में कंसर्निंग है, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर जैसे हम पीछे बैठे होते हैं तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि लॉक कर लो, ये इसलिए उधर चाइल्ड लॉक, बट हमेशा बच्चे पीछे नहीं बैठते हैं। आप किसी मतलब बूढ़े को भी पीछे बैठाते हो, जैसे मम्मी बैठते हैं हमारी, और हो ना बट कोई अनफोर्सीन सिचुएशन में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पीछे के डोर लॉक हैं तो उतर के ही कोई खोल सकता है भाई, नहीं खुलते हैं, तो वो सच में कंसर्न है। तो मानो उस चीज़ को और बोलना चाहिए, तभी भाई इम्प्रूव करेंगे, तभी उस चीज़ को चेंज किया जाएगा, क्योंकि टियागो में तो मिल रहे हैं, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई इंटीरियर की। अब देखते हैं इन गाड़ियों के NVH लेवल कैसे हैं, क्योंकि दोनों सेम इंजन के साथ आती हैं, कौन सी रिफाइंड है और कौन सी नहीं, लेट्स चेक इट आउट। देखिए एल्ट्रॉस के NVH लेवल कैसे हैं, एक बार मैं इसे ना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये विदाउट AC दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी AC ऑन नहीं है। तो भाई अच्छी खासी आवाज़ है गाड़ी में ना अंदर, मतलब आपको आवाज़ आती है, बहुत ही एविडेंट है, बट वाइब्रेशन है, बट बहुत माइनर सी वाइब्रेशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मतलब आप हिल रहे हो या फिर वैसे कुछ हो रहा है, बहुत ही माइनर सी है। और जब गाड़ी चलती है तो वो भी चल जाती है। तो ये तो बात हो गई भाई टियागो की, मतलब सॉरी एल्ट्रॉस की। इसमें वाइब्रेशन है हल्की, बट नॉइस आपको एविडेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं टियागो में और देखते हैं टियागो का क्या हाल है भाई NVH लेवल का। तो गाइज अब स्टार्ट कर लेते हैं एक बार टियागो को। तो भाई दोनों मैंने अभी ना आपको बिना AC के चला के दिखाई है, जो आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगे, क्योंकि लोग फिर वरना बोलते कंप्रेसर की आवाज़ किस में ज़्यादा है। तो नॉइस इसमें प्रॉपरली एविडेंट है, वो तो कोई भाई उसमें कंप्लेंट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। बट मेन चीज़ जो टियागो का ही भाई ट्रेडमार्क हो गया इसका, ये देख रहे हो आप ये कैसे हिल रहा है, ये आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलता, ये बस आपको टियागो ही ऑफर करती है। और अगर आपको मसाजर सीट्स की बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है तो आप इसको ले सकते हो, ठंड में आपको बहुत अच्छी मसाज भी दे देती है, ठंड का टाइम है भाई, बट पूरी सीट इसकी वाइब्रेट कर रही है आइडल कंडीशन में। ये अगर कोई टियागो ओनर देख रहा है तो वो मेरे से एग्री करेगा भाई, इसमें वाइब्रेशंस काफ़ी है, नॉइस तो है ही और वाइब्रेशंस भी काफ़ी हैं। बट एक बार जब गाड़ी चलती है ना तो वो काफ़ी कम हो जाती हैं, बट वाइब्रेशन एविडेंट रहती है। जैसे आइडल में देखो इस टाइम ना पूरी गाड़ी हिल रही है सच में, मतलब डीजल इंजन में जो होता है ना, डीजल इंजन से भी कम रिफाइनमेंट है यार इसमें, तो ये चीज़ तो है। तो ये तो बात हो गई भाई NVH की। इसमें आप देख सकते हो, आपको मतलब अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, वो हम कंक्लूजन में ही बात कर लेते हैं। आप दोनों गाड़ी को चला के देखते हैं और आपको बताते हैं कौन सी बेटर चलती है। इस डालते हैं पहले गियर एंड ये भी गो, क्लच से उठा के देख रहा हूँ मैं, क्लच से बहुत ही ईजिली उठ जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड गियर मैंने डाला, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है इसका गियर,
जब मैंने सेकंड गियर में से डाला है ना, मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, थर्ड गियर थोड़ा ठीक है बट सेकंड गियर में थोड़ी सी रिजिडनेस है सच में। चौथे गियर में मैंने डाल दी भाई, 32 पे चल रही है, देखो बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हॉर्न भी यार मतलब बच्चों वाला लग रहा है, थोड़ा सा ऐसी है। और ये जो टेस्टिंग है ना, मतलब भगा के नहीं दिखाऊंगा मैं इसमें आपको गाड़ी, मैं आपको बस इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स समझाऊंगा कि कैसे है। तो गाड़ी चल बहुत ही स्मूथली रही है, उठती बहुत प्यार से है। पावर की अगर मैं बात करूं भाई, तो ये देखो मैं थोड़ा सा ना थर्ड गियर में से रेव करता हूँ, तो ये स्पीड ना बहुत जल्दी गेन कर रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मैं चौथे गियर में हूँ 39 पे, मैं पांचवा लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने पांचवा लगा दिया, अभी भी मैं 36 पे हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं दे रही है गाड़ी मुझे रेव करने पे। और पुल में भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि पुल में कोई दिक्कत दे रही है गाड़ी, गियर डाउन करने के लिए बोल रही है बट जरूरत नहीं है मेरे को। ये देख लो आप, थोड़ी सी बाउंसी है, थोड़ी सी सस्पेंशन मतलब अच्छे हैं गाड़ी के, सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बट हाँ थोड़ी सी बाउंसी आपको फील होने वाली है गाड़ी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ। पर मैं यहीं से ना आपको टर्निंग रेडियस समझाने के लिए भी यहीं से घुमा लेता हूँ गाड़ी को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने एरिया में घूम जाती है। और यार स्टेयरिंग बहुत ही लाइट है इसका, बहुत ही लाइट है, बहुत ही प्यार है। बट हाँ जैसी आप थोड़ी सी स्पीड गेन कर लेते हो ना, तो ये खुद ही टाइट हो जाता है भाई, काफ़ी अच्छा खासा वेट आ जाता है इस पर, वो कोई इशू नहीं है। बाकी मतलब सिटी में चलाने के लिए बहुत ही इजी गाड़ी है, बहुत ही लाइट क्लच मिलता है आपको, मतलब मक्खन क्लच है यार। और जैसे मैंने आपको बताया सेकेंड गियर इसका थोड़ा सा हार्ड है, मतलब लगने में ना थोड़ा सा रिजिड आपको फील होगा, बाकी सारे गियर इसके स्मूथली लग रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और पावर से रिलेटेड आपको टियागो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैंने पहले ही बोला है। तो अगर आप हिल्स पे जाते हो लैग नहीं मिलता है आपको, अगर फर्स्ट गियर में थोड़ा उठा दो ना तो हल्का फुल्का सा लैग है, वो मतलब इतना एविडेंट नहीं है, तो नेग्लेजिबल है, उसे मैं कंसिडर नहीं करूँगा। बट हाँ बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, और हैंडलिंग मैन्यूवर करना बहुत ईजी है सिटी में, देखो कितनी नैरो रोड पर हम चल रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी ना आपको, कहीं भी ले जाओ इसे, कहीं से भी निकल जाएगी। 170 का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो भी हमें अभी तक कभी इशू नहीं आया। तो यार ये तो बात हुई कि टियागो कैसे चलती है, अब बात कर लेते हैं कि इसके कंपैरिजन में सेम इंजन के साथ इससे हैवी गाड़ी आती है अपनी एल्ट्रॉस, तो वो कैसी चलती है, एक बार उसे चला के दिखाते हैं आपको। तो गाइस आ गए हम अपनी एल्ट्रॉस में, अब चलाते हैं एल्ट्रॉस को, तो आ जाओ करके देखते हैं भाई। तो पिक में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने चलाई है यार जो नॉर्मल वाली एल्ट्रॉस आती है ना 1.2 लीटर वाली नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल में, उसका जो पिकअप है वो कंपैरेटिवली डीसीटी के भी काफ़ी कम है। इसमें तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग कर रखी है इन्होंने, तो अगर आप वैसे कंपेयर करोगे तो टियागो से जो इनिशियल पंच है वो टियागो का बेटर है एनी डे। सेम इंजन के साथ आती है जैसे मैंने आपको बताया, तो टियागो में आपको तब भी बेटर रिस्पांस मिलता है इंजन की तरफ से, बट भाई एल्ट्रॉस में दब जाती है गाड़ी इनिशियली, मतलब आपके 1000-1500 आरपीएम तक तो बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती अच्छे से, या आपने देखा भी होगा। और मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा आप टेस्ट ड्राइव लेके भी देना, इसलिए मैं रेकमेंड भी नहीं करता नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाली है ना टियागो सॉरी एल्ट्रॉस की, अगर आपको लेनी ही है एल्ट्रॉस तो आप आई टर्बो में लो, वरना डीसीटी ले लो, वरना वो तो भाई डीजल में भी आती है। अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको पावर नहीं चाहिए फिर तो ठीक है, मतलब इतनी ख़राब भी नहीं चलती, बट हाँ टियागो उससे बेटर चलती है एनी डे। वो वेट वाला फैक्टर भी है, और यार 3 सिलेंडर इंजन इतनी भारी गाड़ी में ना उतने अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाता है अगर मैं मैनुअल की बात करूँ। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स और मैन्यूवर करना, आइडिया गाड़ी का लगना, विंडशील्ड एरिया काफ़ी बड़ा है इसका, तो आपको विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा, पहले भी मतलब टियागो में भी नहीं आता, बट इसमें बेटर विजिबिलिटी आपको एनी डे मिलती है उससे। हॉर्न इसका काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है,
मतलब ये हॉर्न आपको फील कराता है कि हाँ सामने वाले को पता तो चलेगा एटलीस्ट, बट उसमें उसके चांसेस बहुत कम है. और मैन्यूवर मैं दिखाता हूँ आपको उसका टर्निंग रेडियस. तो सेम टर्न से मैं मोड़ रहा हूँ, ये देखो ये पूरी मोड़ नहीं पाएगी यार, ये देखो ये वहाँ पे आपको बैक लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी है उससे. तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, अगर आपको सिटी ड्राइव करनी है ना बस, तो आपको टियागो पे जाना चाहिए आइडियली. वो आपको माइलेज भी बेटर देगी इससे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी वैसे ही बताऊँ ना, तो जो नॉर्मल अल्ट्रोज है वो आपको निकाल के देती है सिटी के अंदर 12 से 14 के बीच में, बट अगर आप वहीं टियागो की बात करोगे तो आपको वो 14 से 16 दे देती है. अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो या फिर आप सिटी में ही चलते हो, तो आपके लिए बेटर चॉइस एनी डे रहेगी कि भाई आप टियागो लो. अगर आप हाईवे पे जाते हो और फैमिली के साथ जाते हो, तो भाई टियागो भी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल कार है, बट अल्ट्रोज उससे एक स्टेप ऊपर ही है, उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है. और 1.5 लाख देके आपको ना एक बेटर सेगमेंट की गाड़ी मिल जाती है, और प्रीमियमनेस आपको इसमें फील होगी, टियागो में वो आपको फील नहीं होने वाली है. वो जब आप चलाओगे भी दोनों गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी वाली फील ये आपको दे देगी तब भी, टियागो आपको नहीं देगी. तो इसलिए अगर आपका बजट है तो आप इस पे जाना, अल्ट्रोज पे जाना, टियागो मत लेना. क्योंकि यार NVH लेवल्स ना उसके कंसर्न है, मेरे लिए वो कंसर्निंग है. जब तक वो ठीक नहीं होते मैं रेकमेंड नहीं करता, ना मैं टियागो को करता ना मैं टिगोर को करता. अगर आपको लेनी है आप अल्ट्रोज लो, अल्ट्रोज में तब भी थोड़े बहुत ना कंट्रोल्ड है भाई. तो ये रही भाई चलाने की बात. हाईवे पे दोनों गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है. अल्ट्रोज की प्लस वे नहीं रहेगी, अल्ट्रोज बी सी रहेगी, वो 19 ही रहेगी. तो एक उस था, बट सिटी के लिए एनी डे आप टियागो पे जा सकते हो. तो गाइस चला के देख ली हमने गाड़ी, NVH लेवल्स दिखा दिए मैंने आपको, इंटीरियर दिखा दिया, एक्सटीरियर दिखा दिए, कैसे मिलते हैं गाड़ी के, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इन दोनों गाड़ियों के बारे में. तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन आप देखोगे, अगर आपका बजट है 1.5 लाख ऊपर आप दे सकते हो टियागो के बजट से, तो आपको अल्ट्रोज लेनी चाहिए, वो बिल्कुल वर्थ है. बट इसमें एक कैच है, अगर आपको सिटी में चलना है, मेनली आपकी सिटी ड्राइव है और मतलब ट्रैफिक एरिया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है, एवरेज चाहिए और बेटर मतलब इजीली आप कहीं से निकल पाओ, तो आपके लिए टियागो है एनी डे. क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है साइज़ में, तो यहाँ पे वो बेनिफिट रहता है टियागो को, और सेम इंजन मिलता है आपको. अगर मैं बात करूँ आपको, अगर गाड़ी थोड़ी भगानी है, रिस्पॉन्सिव इंजन चाहिए और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही चाहिए, टाटा की तरफ से टर्बो नहीं लेना है, तो भाई फिर आपको टियागो लेनी चाहिए, अल्ट्रोज नहीं लेनी चाहिए. अल्ट्रोज आपको परेशान कर देगी पावर से रिलेटेड, अगर आपको पावर ही देखनी है वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ, टर्बो आपको इसका नहीं लेना है, तो टियागो एनी डे आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी. बाकी देखो पर्सनल चॉइस है, बजट के ऊपर है. सेफ्टी दोनों गाड़ियों की अच्छी है, 4 स्टार के साथ आती है, 5 स्टार के साथ आती है. दोनों टाटा की प्रोडक्ट हैं, दोनों रिलायबल हैं, बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं दोनों. ये हिट प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, ये भी हिट हो चुकी है, तो कोई वो भी रीसेल वाली भी प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कुछ आपको ज़्यादा आने वाली है. तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं. आपकी कोई भी सजेशन हो आप मेरे को कमेंट्स में बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें. टेक केयर एंड बाय.